आज से ठीक 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी रात में 8 बजे आते हैं और कहते हैं आज रात 12 बजे से 1000 और 500 के नोट वैध नहीं रहेंगे। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। पूरे देश में खलबली मच जाती है, लोग लाइनों में खड़े हो जाते हैं, कुछ एटीएम के बाहर तो कुछ बैंक के बाहर। बहुत सारे लोगों को उन्हीं लाइनों में मौत भी हो जाती है। देश में बेरोजगारी बढ़ जाती है, देश में नोट के लिए किल्लत बढ़ जाती है, देश में जीडीपी गिर जाती है और मोदी जी की वो वाली फोटो भी बहुत शेयर होने लगती है जिसमें मोदी जी और अमित शाह एक कुएं में झांकते हुए दिखाई देते हैं और खोजते हैं कि जीडीपी कहां है। खैर, जीडीपी का बुरा हाल हुआ, लोग बेरोजगार हो गए, किसान धान नहीं खरीद पाए, नहीं खरीद पाए, नोटबंदी से देश में बहुत बुरा हाल हुआ। आपके जीवन में अगर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी इसका हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नकारात्मक के बारे में तो हम जान ही रहे हैं। आज नोटबंदी को 5 साल हो गए हैं और सोशल मीडिया पर इसी नोटबंदी की वर्षगांठ को, 5वें वर्षगांठ को सोशल मीडिया के यूजर बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह पुराना ट्रेंड वीडियो जो आपके मोबाइल पे या आपके व्हाट्सएप पे पहुंच चुका होगा खूब शेयर किया जा रहा है। इस इलाके की अगर बात करें तो तमाम जो लेबर क्लास है वो यहाँ काम करती है और लोग सुबह से ही लाइनों में आगे खड़े जाते हैं। लोगों से बात करते हैं कि इतनी ठंड में लोग यहाँ खड़े हैं। ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है बावजूद इसका लोग लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। एक टीवी चैनल की बड़ी एंकर का वो वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बताते नजर आ रही थी कि अगर 2000 का नोट 10,000 फीट नीचे भी गाड़ दिया जाए तो पता लग जाएगा चिप के माध्यम से कि नोट कहाँ है। दूसरा, कुछ लोग मीम शेयर कर रहे हैं कि नोटों पे 500 और 1000 के नोटों पे माला चढ़ा दिए हैं, कुछ लोग अर्थी के साथ, कुछ लोग मोदी जी के वो अखबार कटिंग भी शेयर कर रहे हैं जिसमें वो 50 दिन का वक्त मांगते नजर आ रहे थे, और एक खतरनाक सोशल मीडिया यूजर है जो 500 और 1000 के नोटों पे मूंगफलियां खाते भी नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग तो नेताओं को भी खोज लाए हैं और उनके पुराने वीडियो को भी खोज लाए हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल अब तेजी से हो रहे हैं, जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि नोटबंदी से काला धन वापस आ जाएगा, नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। मनोज तिवारी इस मामले में ट्रेंड कर रहे हैं, रामदेव भी इस मामले में ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा के नोटबंदी को लेकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप भी सोशल मीडिया पे होंगे क्योंकि आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे ही देख रहे होंगे, और आपने सोशल मीडिया पे नोटबंदी की जो पांचवी वर्षगांठ है उस पर कौन सी फोटो अपलोड की है ये हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे थे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने नोटबंदी के इस 5वें वर्षगांठ पे कौन सी फोटो साझा की है। बहुत बहुत धन्यवाद।